fired horizontally with the velocity of 150 meter per second. Then बेटे yes, mass of the gun or the pistol, it is capital M. This is given to be 2 kg. और आगे recoil velocity of the pistol is required. बैठिए और लाइए, मैं इसको बेटे सॉल्व करके देखूं और आप सारे इधर ध्यान देंगे सारे बच्चे. जब भी आपको ऐसा न्यूमेरिकल मिले, सबसे पहले क्या करना है, आपने जो चीजें आपको दी हुई हैं स्टेटमेंट में उनको अलग से निकाल कर लिख लो. जैसे मैंने लिखा है मास बुलेट का कितना है, वेलोसिटी कितनी है, गन का कितना मास है, गन की वेलोसिटी कितनी है. दूसरा आपका स्टेप होना चाहिए कि क्या ये सारे यूनिट्स एक जैसे हैं कि नहीं. अगर हैं अच्छी बात है, नहीं है तो इनको करो. आपको लग रहे हैं जैसे कहाँ फर्क है, यहाँ पे है ना बेटा. इट नीड्स टू बी कन्वर्टेड इनटू किलोग्राम्स. सो व्हाट वी कैन डू इज दैट मास ऑफ द बुलेट 20, एक ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, एक ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, वन बाई 1000. और आपने इसको अगर देखना, मेरी बात इधर ध्यान से देखना सारे बच्चे, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है. 1000 से डिवाइड ही किया है. अब देखो रिकॉइल वेलोसिटी निकालने के लिए आप मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई किया करते हो. मैं डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लिखता, ठीक है जी. फायर करने से पहले आपके पिस्टल का और बुलेट का मोमेंटम कितना था बच्चों, मास इनटू, नहीं बेटे एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी, ठीक है. आपका जो सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम है इसको मैं पी इनिशियल लिख दूं, है ना. फायर करने से पहले पिस्टल का मास बड़े वाला एम जो भी है, पिस्टल की वेलोसिटी कितनी थी फायर करने से पहले, जीरो. ऐसा थोड़ी था कि पिस्टल ही मूव करने लग जाए पहले अपने आप, ऐसा थोड़ी है. सो दैट विल बी जीरो. एंड मास ऑफ द बुलेट स्मॉल एम जो भी है, ठीक है. अब फायर करने से पहले तो वो रेस्ट पे ही था, पिस्टल के अंदर वो रेस्ट पे ही था, ठीक है. नाइस. तो ये आपका इनिशियल मोमेंटम जीरो हो गया, राइट. आफ्टर फायरिंग जो मोमेंटम होगा उसको फाइनल मोमेंटम बोलेंगे, पी एफ. मास ऑफ द बुलेट, ये वेलोसिटी, मास ऑफ द गन, ये आपको चाहिए. बुलेट का मोमेंटम कितना आएगा, स्मॉल एम इंटू स्मॉल बी, राइट, प्लस बड़े वाला एम इंटू बड़े वाला बी. जो चीजें आपको दी गई हैं सब्स्टिट्यूट कर दो. क्या दिया गया है आपको, स्मॉल एम कितना है, स्मॉल एम, अरे ग्राम नहीं कहना अब, यस, दिस इज 20 इंटू 10^-3, और वेलोसिटी बच्चों कितनी है, 100 प्लस. कैपिटल एम कितना है, 2 kg, और कैपिटल वी कितना है पता ही नहीं हमें, इसको वी रहने दें. अब आपका सिस्टम जो है बेटा, पिस्टल और बुलेट का जो सिस्टम है, इस सिस्टम पे आपका कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है. इट मींस कि आपका इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा. आप कंपेयर कर दीजिए, ये फाइनल मोमेंटम है 20/1000 भी लिख सकते हो आप, इनटू 150 प्लस बड़े वाला एम आपका, सॉरी है ऑलरेडी 2, बी आपको पता नहीं है, ये जीरो के बराबर है सारा. ऐसा है बच्चों, एक जीरो ये कट गया, एक जीरो ये कट गया, 2 × 5 = 10, ये खत्म हो गया.
ऐसे कर सकते हैं ना, बता दिया करो जरा। तो ये क्या बचा, थ्री प्लस टू वी इज इक्वल टू जीरो। हाँ जी बेटे बिल्कुल, ये लीजिए माइनस कर दिया। आप बताइए क्या करें, ऐसे कर दें कि रहने दें। माइनस 1.5 मीटर पर सेकंड आ गया। अब वर्ड दिस देखो बेटा, मैच करके राइट। तो ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है, एनी वन फ्रॉम योर साइड वेलोसिटी नेगेटिव है। नेगेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब है, इसके अपोजिट बुलेट के। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, जिस डायरेक्शन में बुलेट जा रहा है ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि गन उससे उल्टी डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा और उसका स्पीड का मैग्नीट्यूड 1.5 के बराबर होगा। राइट बेटा, सो इन दिस वे आपने इस प्रॉब्लम को पॉइंट को सॉल्व कर लिया। कोई बात आपको नहीं पता चली तो बता दीजिए मुझे, देन वी विल गो अहेड। बेटा चेक करो सारे स्टूडेंट्स, कोई आपको लग तो नहीं बात ऐसे। बेटे आप अपने नोटबुक साथ साथ अपडेट करी जा रहे हो ना, नेक्स्ट वीक आपकी नोटबुक्स भी चेक करनी है बेटा। राइट, बी वेल प्रिपेयर्ड विद ऑल द पर्टिकुलर्स। अगर आपका इनकम्प्लीट है काम तो कंप्लीट कर लीजिएगा। चलें आगे, देन बेटे इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल बच्चे देखना कौन सा है, क्या नंबर है अगले प्रॉब्लम का बेटा, 7। आइए 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 बेटे, 9.7 बोलोगे जरा, देखो 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 9.7 बोलोगे जरा कौन सा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट्स, उठ जाइए पहले तो। ए गर्ल ऑफ मास 40 kg, एक मिनट वेट करिएगा। आपको एक गर्ल स्टूडेंट दिया गया है, मास ऑफ द गर्ल स्टूडेंट इज 40 kg। उसके बाद बेटा वो जो गर्ल स्टूडेंट है 5 meter वेलोसिटी के साथ जंप करता है, कहां पे पुत्र, एक स्टेशनरी कार्ट है, उस गर्ल स्टूडेंट ने उसके ऊपर जंप कर दिया, आगे क्या हुआ। हाँ जी रुकिएगा, कार्ट का मास 3 kg और ओके, अब आपको कंबाइंड वेलोसिटी निकालनी है। बैठिए बेटे बैठिए, जरा समझिएगा, मैं डायग्राम बनाकर आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि वो क्या कहना चाहते हैं। अगर आप स्टेटमेंट पढ़ के स्टेटमेंट समझ के रफ साइड पे एक डायग्राम बना लोगे तो आपकी कभी गलती होगी नहीं। दूसरी बात, जो चीजें आपको दी गई हैं उनको ऐसे सेपरेट करके लिख लो, आपकी कोई गलती नहीं होगी न्यूमेरिकल करने में। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो मुझे समझ आ रहा है मैं डायग्राम की फॉर्म में बनाने जा रहा हूं, आप देखिएगा और मुझे बताइएगा कि इज इट करेक्ट और नॉट। ये एक छोटा सा हल्का सा कार्ट है, व्हील इसके फ्रिक्शन लेस हैं, तो ये मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूं और आप चेक करिए कि ऐसा हो सकता है कि नहीं। ये आपका रफ ग्राउंड, ये आपका स्मूथ सरफेस है, ग्राउंड है, ये कार्ट यहाँ पे रुका हुआ है, 3 kg इसका मास है। ये वैसा ही कार्ट है जैसा आप चलाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये एक गर्ल स्टूडेंट है, ये इमेजिन कर लीजिए, ये लीजिए बेटे, ये कोई गर्ल चाइल्ड है, उसने दौड़ लगाई हुई है, ये लीजिए बेटे, और ये गर्ल चाइल्ड इधर आ रहा है, इसका मास 40 kg है, वेलोसिटी कितनी थी 5 meter per second। 5 meter per second काफी ज्यादा होती है, ठीक है, वो बड़ी तेजी से आ रही है लड़की, और यहां आकर उसने ऐसे जंप कर दिया इस पे कार्ट पे, ठीक है जी। द मोमेंट द चाइल्ड, उधर आ जाओ बेटे खाली है सीट उधर, द मोमेंट द चाइल्ड विल बी जंपिंग ऑन टू द कार्ट,
ये जरा देखिएगा सेटअप कुछ ऐसा बन जाएगा। ये लीजिए बेटे, अब कार्ट भागने लग जाएगा। कार्ट जो है वो भागने लग गया, हमें इसका वेलोसिटी नहीं पता। आप बताइए कि आपको डायग्राम और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मैच लग रहा है, कोई डिफरेंट तो नहीं लग रही चीज? एक बार रिपीट करके देखें। ये गर्ल स्टूडेंट है, 40 kg मास है, भागी आ रही है लड़की, वो उसने जंप करना था कर दिया। यहाँ पे ये एक कार्ड खड़ा था 3 किलोग्राम का छोटा सा, और जैसे ही उसने उसके ऊपर जंप किया, इसने रोल करना स्टार्ट कर दिया। कार्ड प्लस गर्ल एक चीज बन गई। अब ये दोनों आगे की तरफ मूव करने लग गए विद वेलोसिटी वी। आपको ये निकालनी है, कोई है मुश्किल बात? फिर बताइए आप क्या चीज है, कैसे करें? पहले कर लेंगे, देन कर लेंगे, फिर इक्वल कर देंगे। आपकी बात सही है भाई, आप इनिशियल मोमेंटम लिखवाइए। यस, इनिशियल मोमेंटम। उठ जाओ बढ़िया जल्दी। व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द गर्ल एंड द कार्ट? बैठो पुत्र। आप यस, देख के नहीं बोलना भाई, ये नहीं काम करना। कोई बात नहीं, यस। हाँ, यू तो लिखा ही नहीं हमने कहीं। अच्छा ठीक है, कार्ड की वेलोसिटी बोल रहे हो आप। ये कार्ड का मास, मास को लिख ही देते हैं 3 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई 0 उसकी वेलोसिटी है, और गर्ल का स्मॉल एम रहने दो, 40 kg दिया ही हुआ है, और ×5। आपकी बात बिल्कुल सही है, तो ये आपका 0 तो 0 ही रह गया। 40 × 5 कितना होता है? 200 किलोग्राम मीटर पर सेकंड कर दें। बढ़िया, बोलो फाइनल मोमेंटम सिस्टम का। आप बैठिए, मिलन आपका नाम है ना, उठ जाइए पुत्र। एक बार अपना नाम बोलिए दोबारा। मिलन प्रीत के, मिलन दीप के, अकेला ही मिलन, मिलन मिलन सिंह। प्रीत है ना साथ में, मैं वही कह रहा हूं, मिलन प्रीत सिंह। फाइनल मोमेंटम बोलो पुत्र। 40 + 3 क्यों भाई? वो तो वेलोसिटी है ना, आप 40 + 3 कह रहे हैं। 40 + 3 क्यों? एक मिनट उसको बोलने, मौका तो दो उसको बोलने का भाई, आपको मौका मिलेगा, प्लीज लेट हिम स्पीक। कर दिया जी, कर दिया। हाँ जी, हो गया। नहीं, 40 तो गर्ल का ऑलरेडी है, 43 हो गया। बहुत बढ़िया, देखो यहाँ पे और यहाँ पे मासेस आपको दिए गए हैं। अब क्योंकि गर्ल कार्ड के साथ कांटेक्ट में है, एक चीज बन गई है, दोनों मिलके एक हो गई है, कार्ड एंड गर्ल चाइल्ड, तो आपका फाइनल मोमेंटम हो जाएगा मास 40 + 3 कर दें। अब दोनों एक ही वेलोसिटी से मूव करें तो ये भी कर देंगे, राइट? तो ये कितना बन गया? 43 V बन गया। आप इनिशियल मोमेंटम को फाइनल मोमेंटम से कंपेयर कर दीजिए और करके जरा वेलोसिटी निकालोगे। अब आप क्या कहते हो? कुछ भी नहीं कहते हैं ना, बोलते नहीं है, कम बोलते हैं लॉकडाउन में। आई होप कि आप लोगों ने मेहनत की होगी घर पे। ये आ जाएगा 200 = 43 V, V इज इक्वल टू 200 बाई कितना बना ये 4.65 m/s लिख दें साथ में, के रहने दें, लिखना चाहिए भाई। ये
ये यूनिट्स हैं जरूरी होते हैं, है ना। हाँ जी मिलन जी चलें आगे। ओके सारे स्टूडेंट्स को ये क्लियर है, किसी बच्चे को कोई डाउट वाली बात तो नहीं बेटा? हाँ जी बोलो बेटे बोलो, उठ जाइए जरा उठ जाइए और उसको बोलो नीचे करके बोलो। हाँ सेकंड ये, अच्छा ये कैसे निकाला? ये मास दोनों का ऐड कर दिया, 40 + 3 = 43 हो गया। मास को वेलोसिटी को हमने वी माना हुआ है, मास इनटू वेलोसिटी कर दिया, आपका फाइनल मोमेंटम बन गया, इसको इनिशियल से कंपेयर कर दिया। ठीक है बेटा, आपका नाम? हाँ जी हेविन, गुड। चलें जी आगे, अब अगले वाला एग्जांपल देखिए बेटे क्या है। 9.8, एक मिनट मुझे ये रब करने दो फिर आप बोलना एग्जांपल नंबर। अच्छा एक बात है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एग्जांपल्स को बुक बंद करके अच्छे से सॉल्व कर लोगे आपका एक्सरसाइज एकदम से हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा। एंड वन थिंग मोर, जब आपने अपनी नोटबुक के ऊपर काम करना ये एग्जांपल जरूर कर लेनी, इनको छोड़ना नहीं। ठीक है बेटा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डिस्कस करने वाली है सारी। बोलो पुत्र। एक मिनट, देखो आजकल हॉकी की न्यूज काफी आ रही है, दो हॉकी प्लेयर उन्होंने बताया है कि अपोजिट टीम के हैं और दे आर ट्राइंग टू कैप्चर ए बॉल। आगे क्या है पुत्र? हाँ हाँ ठीक है, विद 60 ओके ठीक है। हाँ रुकिए जरा यहाँ पे बैठिए। अब आप देखो बेटे, उन्होंने आपके लिए एक हिंट छोड़ा है स्टेटमेंट में। पहला हिंट है कि अपोजिट टीम के प्लेयर्स हैं, दूसरा ये लास्ट वाली लाइन आपने बोली थी क्या थी बेटा? टुवर्ड्स ईच अदर। यहां से हमें बेटे बात क्लियर हो जाती है। मैं डायग्राम की फॉर्म में अपना स्टेटमेंट जो है पुट करने की कोशिश कर रहा हूं, जरा समझिएगा, डायग्राम पढ़िएगा और मुझे बताइएगा कि क्या आपको डायग्राम में और आपके क्वेश्चन में सिमिलैरिटी लग रही है कि नहीं लग रही। ये हॉकी प्लेयर मान लीजिए ए टीम का है और ये हॉकी प्लेयर अपनी ये मान लीजिए हॉकी लेकर इधर भागा हुआ है, हॉकी बड़ी बन गई प्लेयर छोटा बना, चलिए यानी हो के द्वारा बना लें, क्या कहते हो? रहने दें, चलिए ठीक, नहीं अच्छा नहीं लगेगा, तो इट शुड नॉट बी लाइक दैट, ये बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। यस बेटे इमेजिन कर लीजिए ये एक प्लेयर है और ये हॉकी लेकर अपने बॉल यहाँ पे पड़ा है, बॉल को कैप्चर करने के लिए इस तरफ ये प्लेयर भागा जा रहा है। अपोजिट टीम वाले भी कोशिश करेंगे बॉल को कैप्चर करने की, है ना बेटा? और ये अपोजिट टीम वाला प्लेयर उन्होंने थोड़ा सा तेजी से बोला है ना आ रहा है, तो ये लीजिए जरा आपको देखना ये तेजी से आता हुआ लगता भी है कि नहीं, ये प्लेयर इधर लगेगा। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा ठीक कर देते हैं इसको। चलिए ठीक है जी, सिंबॉलिक ही है, हमने कौन सा सच में बनाना है। अब जरा मुझे बताइए पहले प्लेयर की मास और वेलोसिटी एक बार दोबारा स्टेटमेंट बोलिएगा। टू हॉकी प्लेयर्स ऑफ अपोजिट टीम, क्लियर हो गए बेटा? आगे बोलिए, दोनों हॉकी बॉल को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं,
हाँ जी, ये सुनिए जरा, अब यहाँ पे जब पहुंचे तो ये बेटे देखो कोलाइड कर गए, ये सारी गड़बड़ हो गई। कोलाइड करने पे क्या हुआ कि ये देखो ऐसे गिर गए, कुछ दे बिकम एंटेंगल्ड। आपने कई बार देखा होगा टीवी में गिर जाते हैं ऐसे बेटे, कोलाइड करके हिट हो जाते हैं। आगे पुत्र क्या है? एक मिनट रुकिएगा, ये प्लेयर का मास 60 kg है, ये प्लेयर 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा था, ये प्लेयर का थोड़ा मास कम है, 55 kg है। हाँ, अगर वो मास कम होगा तो वो तेजी से भाग पाएगा, है ना, तो वो 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। अब दोनों टकरा गए, कोलाइड कर गए, कोलाइड करके गिर जाएंगे किसी न किसी तरफ। आपको इनका एंटेंगल्ड जब हो गए हैं, वेलोसिटी निकालना है। यस, आपको ये भी बताना है ये इधर गिरेंगे कि इधर गिरेंगे, और आपको ये भी बताना है कि कितनी वेलोसिटी के साथ दोनों गिरेंगे या जाएंगे, राइट? अब मुझे बताइए, डायग्राम समझ आ रहा है, स्टेटमेंट समझ आ रहा है, देर इज मैच, कोई मिसमैच तो नहीं लग रहा? अब जैसे हम बेटे ऑलरेडी कर ही रहे हैं, हम अपने सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम निकाल लेंगे, फिर हम अपने सिस्टम का फाइनल मोमेंटम निकाल लेंगे और दोनों को कंपेयर कर देंगे, हमारा वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है जी? अब यहाँ पे आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि जब दोनों कोलाइड कर गए हैं तो कोलाइड करने के बाद दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी बी है। अब दोनों वो एक सिस्टम हो गए हैं, दोनों ही गिरेंगे, इकट्ठे गिरेंगे, तो दोनों की कॉमन वेलोसिटी हमने बी मान ली बिफोर कोलाइडिंग। अगर इनिशियल मोमेंटम की बात करें, एनीवन फ्रॉम योर साइड डियर चिल्ड्रन, आप लिखवा सकती हो? कितना लिखूं मैं? हाँ जी गुड़िया। नहीं बेटा, ठीक है, बात आपकी, दोनों का बता दीजिए कि लिखूं क्या मैं। स्मॉल एम इनटू बी तो ठीक है, बैठिए, वेरी राइट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एनीवन? यस, बैठो बेटा, मैं यही बात आपसे चेक कर रहा था कि आप स्टेटमेंट जो है और जो आपका यहाँ पे डायग्राम है, इसको साथ साथ लेके चल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन अपोजिट है। आप में से किसी ने भी नेगेटिव साइन वेलोसिटी का बोला नहीं है, नहीं ना बोला? पहले प्लेयर का मास है 60, है ना बेटा, और वो 5 मीटर से जा रहा था। दूसरे प्लेयर का मास है 55, और वो कितनी वेलोसिटी है? -6 लिखना पड़ेगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। माइनस पता चल गया ना क्यों लिखा? यही डायग्राम बनाने का बेनिफिट होता है, आपकी गलती के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो ये बच्चों आपके पास इनिशियल मोमेंटम बन गया। अब याद रखिएगा, आपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, उसको नेगेटिव लिया है, ठीक है? ये बन जाएगा आपके पास 300 माइनस 330 माइनस 30 किलोग्राम मीटर पर सेकंड बनता है कि नहीं, चेक करो, बन जाएगा आई थिंक। अब दोनों प्लेयर्स जब बेटे एंटेंगल्ड हो गए हैं तो दोनों का कंबाइंड मास इट विल बी, दोनों का मास ऐड कर दो, 60 प्लस 55, इट विल बी 115 किलोग्राम आ गया बेटा। और आपने वेलोसिटी दोनों की कितनी मानी हुई है? कैपिटल बी। तो आपका फाइनल मोमेंटम जो है, इट इज 115 × b कर दें, करना चाहिए, ठीक है जी? अब आप अपने सिस्टम का इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को कंपेयर कर लो बेटा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और आइए फिर चेक करें कि हमें क्या रिजल्ट मिल जाता है। आपका फाइनल मोमेंटम 115 V, इनिशियल मोमेंटम -30, ये आ गया -30/115। देखना जरा कितना आएगा, ये माइनस में 0.2 समथिंग आना चाहिए, हा?
0.2 आगे क्या है, माइनस 0.2 अगला डिजिट कौन सा, 6 मीटर पर सेकेंड। अब जरा एनालाइज करने का टाइम है रिजल्ट को, कि रिजल्ट हमें क्या देगा। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, उठ जाइए पुत्र, अपोजिट डायरेक्शन कौन सी आप कह रहे हो यहां पे, ठीक है, इसका मतलब है दोनों प्लेयर इधर गिरेंगे कि इधर गिरेंगे, उस साइड पे नहीं, उधर के इधर, वो उधर कह रहा है मिलन, उधर कह रहा है आप इधर कह रहे हो, है लेकिन उसका मास भी तो कम है, ये भी तो बात है, समस्या तो है, सेंटर में कैसे गिरेंगे, उधर को गिरेंगे कि इधर को, आप मैं आपको ये कहना चाहता हूं, मैं इनको इधर को गिरा दूं कि इधर को गिरा दूं बता दीजिए, उधर को, आप जस्टिफाई करिए क्यों उधर को गिराएं भाई, जो भारी है वो उधर गिर जाएगा, बैठो बैठो, ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं कहना हमने, जो बंदा भारी है वो उस तरफ गिर जाएगा ऐसा मत कहिए आप, एक मिनट बेटे, एक मिनट बेटा, ध्यान दीजिए सारे स्टूडेंट्स, आप इस साइन पे ध्यान दीजिए, ये साइन नेगेटिव, आपने शुरू में इस वेलोसिटी को नेगेटिव बोला था, अब आपका रिजल्ट भी नेगेटिव में आ रहा है, दिस विल इंडिकेट कि ये दोनों इधर को गिरेंगे, राइट, समझ आ गई ना बात, आप ये मत सोचिए कि वो बंदा भारी ज्यादा है वो हल्का है, जो भारा है वो दूसरी तरफ गिर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, अगर उसका मास ज्यादा तो उसकी स्पीड में भी फर्क है, राइट बेटा, ऑलवेज कीप योर आईज डायरेक्टली ऑन द रिजल्ट अलोंग विद द साइन एंड ऑल दैट, हम ये चीज को नहीं लेके चलेंगे, हमें इसके ऊपर फोकस करना है, रिजल्टेंट वेलोसिटी का नेगेटिव आ जाना इंडिकेट कर देता है कि आपके जो दोनों प्लेयर्स हैं हॉकी के ये इधर गिर जाएंगे, और कितनी वेलोसिटी से गिरेंगे, 0.26 मीटर पर सेकंड, राइट, समझ आ गया सबको, एग्जांपल्स और कौन सी है, खत्म हो गई है, क्वेश्चन देखो, न्यूमेरिकल देखो कौन सा रह गया हमारा, समझ आ गया सबको, यस बेटा, डियर चिल्ड्रन, इज इट ऑल क्लियर टू ऑल, बता नहीं रहे आप, कम बोलते हैं, हाँ जी, 14th रह गया था, चलिए मैं पहले 14th पढ़ दूं, क्या है जरा ध्यान दीजिए, आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, 1-4, ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, ये 14th न्यूमेरिकल है, बुलेट का मास 10 ग्राम है एंड इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड, आगे क्या दिया हुआ है, इट स्ट्राइक्स स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, ये एक वुडन ब्लॉक के साथ स्ट्राइक कर गई विद द वेलोसिटी ऑफ सॉरी मैं और ही पढ़ गया साथ में, एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड्स, और ये 0.03 सेकेंड्स के बाद रुक गई है, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ द बुलेट इन टू द ब्लॉक, ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाई द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट, आइए देखें क्या कहना चाहते हैं वो ये कहना चाह रहे हैं, आपको ये एक वुडन ब्लॉक दिया गया है, ध्यान देखिएगा इधर दीजिए बेटा, देखो भाई इधर ये वुडन ब्लॉक है, और लेट मी राइट वुडन ब्लॉक, अब आपने क्या किया, ये बुलेट है, बड़ी हल्की सी बुलेट है, 10 ग्राम की है, वेलोसिटी आपको दी गई है, जब ये वुडन ब्लॉक के साथ आकर स्ट्राइक करेगी, आपने वुडन ब्लॉक को फिक्स किया हुआ है, टाइट किया हुआ है स्क्रूज के साथ,
तो ये वुडन ब्लॉक के अंदर तक चली जाएगी बुलेट और यहाँ पे आके रुक जाती है। रुकने का मतलब है यहाँ पे आकर इसका वेलोसिटी हो गया जीरो और इसको इतना टाइम लग गया रुकने के लिए। ये आपको इनिशियल वेलोसिटी फिर दी हुई है, आपको बताना है कि वुडन ब्लॉक इस पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा और कैसे हम बेटे उस फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। एनी सजेशंस फ्रॉम योर साइड? सेकंड इक्वेशन से डिस्टेंस कर लोगे तो ठीक है, देन हमारे पास डिस्टेंस आ गया, ठीक है, देन एक्सेलरेशन तो हमारे पास है नहीं, ठीक है, गुड, वो भी ठीक है, वेरी राइट, बिल्कुल ठीक। आप जो भी बोल रहे हो, आपने जो बोला, इन्होंने जो बोला है वो एक ही चीज है, इन्होंने फ्रैगमेंट्स में कैलकुलेट कर लिया, आपने सीधा कह दिया। आप ऐसे भी कर सकते हो, एफ इज इक्वल टू एम इंटू वी माइनस यू अपॉन टी, लेकिन इससे आपको डिस्टेंस नहीं मिलेगा, राइट? अगर आप वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी करोगे, यहां से पहले ए निकाल लो, ठीक है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओ, फिर एस निकाल लो, फिर आप इसको यहाँ डायरेक्टली एम इंटू ए को यूज करके एफ पी निकाल लो, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल, इसको कंप्लीट कर लेना, अगर नहीं होगा तो फिर कल कर लेंगे। थैंक यू बेटा।